इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिश क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बं बं हं सं तं बं 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 हं हं सं सं तं तं झं झं झीं झीं छुं छुं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते ओं नमो हं झं झिं छुं हं सं झं बं हयसा छं छीं छुं छै छै छौ छं छा छिं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्री ह्री ह्रौ रौं रा द्रं द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते ठाठ अस्माकं समस्त भुवजीवनम् शांति धारा विधान करता परिवार फूलचंद जी शैला जी राजेंद्र जी अरविंद जी देवेंद्र जी मनोज जी संगीता जी रश्मि जी संयम जी आदित्य जी संस्कार जी श्रेयांश जी शिवानी जी सलोनी जी रेखा जी समस्त सरिया परिवार ईश्वर बारा सपरिवार मंगल भवतु अनिल कुमार जी सविता जी अंशु जी संध्या जी पार जी प्रतीक्षा जी केसरी वाली मंगलम प्लाई बोर्ड पैणी कॉलोनी सागर सपरिवार रमेश चंद जी विजय जी नीतेश जी कपिल जी स्वप्निल जी ज्ञान भाई जी साधना जी बेगमगंज सपरिवार विनीत जी जयश्री जी आदित्य जी पूजा जी सजल जी प्रियांशी जी देवांशी जी मुलायम चंद जी बेगमगंज सपरिवार सावित्री जी अभय जी सविता जी संजय जी संगीता जी अंशिका जी आराध्या जी साक्षी जी सक्षम जी भारत जी किरण जी पथरिया दमोह सपरिवार सुरेखा बेन जी प्रदीप जी उस्मानपुरा अहमदाबाद गुजरात सापरिवार करण लता जी राजेश जी राजी किरण जी शिल्पा जी राकेश जी रश्मि जी अभी जी मोक्ष जी अविध जी उस्मानपुरा अहमदाबाद गुजरात सापरिवार रूपचंद जी लक्ष्मीकांत जी भीलवाड़ा राजस्थान सापरिवार अरविंद जी आशीष जी गुना मध्य प्रदेश सापरिवार राजेंद्र जी आशीष जी देवंशी रश्मि जी हस्ता जी कोरबा छत्तीसगढ़ सापरिवार सभी जितने भी महापर्म शांति धरा देख रहे सुन रहे अनुमोदना कर रहे समस्त भव जीवनम व्याधिम घरंतो संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम मितेंद्र सामान तपोदनाना असीम कालीन भक्तों विधान में विधान करने का सौभाग्य ले रहे हैं। आप एक मंदिर के भी पुण्याजक हैं। वैस अवश्य जी परिवार फूलचंद जी शीला जी राजेंद्र जी अरविंद जी देवेंद्र जी मनोज जी संगीता जी रश्मि जी संयम जी आदित्य जी संस्कार जी श्रेयांश जी शिवानी जी सलोनी जी रेखा जी समस्त सरैया परिवार ईश्वर वारा वाला परिवार आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं सहित चांदी का नंद्यावत प्रदान किया जा रहा है। नंद्यावत और मुद्रा प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी का। जीवन मंगलमय हो, आरोग्यमय हो, धनदानमय हो, यही शांतिनाथ भवन के चरणों में भावना बाते हैं। ओम ह्रीम श्रीम भ्रीम झीम कोम पंच बीजाक्षा सहता भक्तांबर स्थित श्री पंच बला स्थित श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय एवं एवं 64 दिधि संयुक्त है अनर्गत प्राप्त है शांतिनाथ जिनेन्द्राय रिगम नर्मेपामिति स्वाहा। उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। एक प्रसंग याद आ रहा है, इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक जन यहाँ पर आए और उनका छोटा सा बेटा उनके साथ था। वह बेटा कहता है, पापा पापा आप जो पहन रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? पापा ने कहा, बेटा इसको धोती दुपट्टे बोलते हैं। तो बेटा कहता है, पापा इस धोती दुपट्टे को आप क्यों पहन रहे हैं? तो पिताजी कहते हैं, बेटा तत्लक्षण महापर्व हैं इसलिए इन धोती दुपट्टे को हम पहन रहे हैं। तो बेटा कहता है, पापा जी क्या दशलक्षण महापर्व में ये दुपट्टे पहने जाते हैं? तो पिताजी कहते हैं, हाँ दशलक्षण महापर्व में दुपट्टे पहन के ही मंदिर जाया जाता है। बेटा कहता है, हमने अन्य दिनों में भी बहुत सारे लोगों को दुपट्टे आदि पहने दर्शन करते आदि देखा है, भगवान का अभिषेक आदि करते देखा है। तो पिताजी ने उस बच्चे का कोई भी जवाब नहीं दिया। देखो एक बेटे ने अपने पिताजी को निरुत्तर कर दिया। और आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक पिता ने जो उत्तर दिया कि दशलक्षण महापर्व में दुपट्टे पहनकर जाया जाता है, यह क्या पूर्ण सत्य है? नहीं, यह पूर्ण सत्य नहीं है। दशलक्षण महापर्व भी नहीं, कोई भी दिन हो जब तक सौर और सूतक नहीं है तब तक दशलक्षण महापर्व तो क्या, हमारी तो भावना है। जब तक मुनि ना बने तब तक ही धोती दुपट्टे पहनकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। आज उत्तम मार्दव धर्म के दिन हम देख रहे हैं। उत्तम मार्दव धर्म का पालन न करने से
आज एक दूसरे देश अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप का मान बढ़ाने के लिए कितना उपसंहार कर रहे हैं, कितना नरसंहार कर रहे हैं। हमने देखा है आज एक देश कह रहा है मैं बड़ा हूँ, दूसरा देश कह रहा है मैं बड़ा हूँ, अमेरिका कह रहा है मैं बड़ा हूँ, चीन कह रहा है मैं बड़ा हूँ, रूस कह रहा है मैं बड़ा हूँ। आज लाखों हजार करोड़ रुपए सुरक्षा में खर्च हो रहे हैं, हथियारों में खर्च हो रहे हैं, कोई भी देश हो, हर देशों के हजारों हजारों करोड़ रुपए सुरक्षा में जा रहा है, हजारों हजारों करोड़ रुपए मिसाइलों में जा रहा है, हजारों हजारों करोड़ रुपए हथियारों में जा रहा है, हजारों हजारों करोड़ रुपए परमाणु बम खरीदने में जा रहा है। मित्रों, अगर यह पैसा जो हथियारों में जा रहा है, परमाणु बम में जा रहा है, देश की एक दूसरे को बड़े दिखाने के लिए जा रहा है, एक दूसरे को ताकतवर दिखाने के लिए जा रहा है, अगर यह पैसा शांति में लगा दिया जाए, अगर यह पैसा देश में बेरोजगारी में लगा दिया जाए, अगर वह पैसा गरीबी में लगा दिया जाए, तो मित्रों हजारों हजारों करोड़ रुपए, लाखों लाखों करोड़ रुपए अगर देश का, हर देश का बचने लगेगा, मित्रों गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं हर देश का पैसा, लाखों हजार करोड़ रुपए देश का ऐसे ही बर्बाद हो रहा है परमाणुओं में। मित्रों, देश की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक देश दूसरे देश से डर रहा है, कहीं ऐसा ना हो यह देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, कहीं ऐसा ना हो इस देश अगर ज़्यादा शक्तिशाली बनकर हमारे देश पर हमला कर देता है तो हमारे देश का क्या होगा। मित्रों, आज हजारों हजारों करोड़ रुपए एक दूसरे को मान अभिमान करने के लिए जा रहा है। आज देखो ऐसे ही हमारे श्रावक हैं, एक दूसरे को अगर एक गाड़ी है और सामने वाले के पास अगर और बड़ी गाड़ी है तो उसमें ही हमारा मान अभिमान आ जाता है। मित्रों, इसके पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास छोटी गाड़ी है, अब इससे भी हम बड़ी गाड़ी लेकर रहेंगे। उस एक गाड़ी में खुश नहीं है, दूसरे वाले की गाड़ी देखी तो अपने आप मन में मलिनता आ गई, अपने आप मन में ऐसा लगने लगा इसके पास तो बड़ी गाड़ी है, हमारे पास तो छोटी गाड़ी है, इसके पास तो महंगी गाड़ी है, हमारे पास तो सस्ती गाड़ी है, वहीं हमारा मान अभिमान अंदर आ जाता है। मित्रों, आज हम अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, आज हम दूसरों के सुखों से दुखी हैं। आज इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है, उसके पास अपने को सुखी करने के लिए सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी आज इंसान दूसरे के सुखों को देखकर हो रहा है। कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी देश हो, आज उत्तम मार्ग धर्म का दिन हमें सिखाता है मान को खंडित करना। आज हमारे ऐसे ऐसे महान मुनिराज हुए, ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए, रामचंद्र जी हुए, रामचंद्र जी ने सभी लोगों का सम्मान किया, सम्मान समारोह रखा गया जब वे अयोध्या में वापस लौट कर आए, जिन जिन लोगों ने उनका साथ दिया था उन सभी का सम्मान किया, लेकिन हनुमान जी का उन्होंने सम्मान नहीं किया। लोगों ने हनुमान जी को उकसाया, हनुमान जी आपका सम्मान नहीं हुआ है, बाकी सभी लोगों का सम्मान हुआ है, तो आप ही अपने मुख से कुछ बताइए। हनुमान जी ने कहा, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। और रामचंद्र जी से लोगों ने पूछा कि आपने सभी का तो सम्मान किया लेकिन हनुमान का सम्मान नहीं किया, हनुमान के प्रति आपने कृतज्ञता नहीं जताई। तो रामचंद्र जी कहते हैं, हमने सभी का सम्मान तो किया, क्योंकि सम्मान और कृतज्ञता तब जताई जाती है जब कहीं ना कहीं हम उनकी विपत्तियों में साथ आएं, कहीं ना कहीं उनके संकटों में साथ आएं, लेकिन हमारी तो भावना है हनुमान के प्रति, हनुमान के जीवन में कभी कोई संकट ना आए, हनुमान के जीवन में कभी कोई विपत्ति ना आए, इसलिए हमने हनुमान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।